आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, क्या ये है चौथी लहर की शुरुआत? भारत में कोरोना के मामले काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को नए मामलों में करीब 20% वृद्धि दर्ज की गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को कोविड के 12,591 केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1766 नए मामले दर्ज हुए हैं, साथ ही एक दिन में 6 लोगों की मौत हुई है। हाल ही में आई खबर के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, साथ ही उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर दिया है। महाराष्ट्र में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर गिरीश महाजन ने बुधवार को ये घोषणा कर जानकारी दी है कि सरकार ने 25 समर्पित कोविड 19 अस्पतालों को सक्रिय कर दिया है। कोविड 19 पेशेंट्स के लिए 5,000 बेड्स, 2,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर, 62 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और 37 PSA प्लांट की व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति में विभाग द्वारा करीब 2,000 जम्बो और 6,000 स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार रखे गए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का फोकस देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, दवाओं और टीकाकरण अभियान की तैयारियों की स्थिति और कोविड मामलों में हालिया उछाल की प्रतिक्रिया के रूप में प्रमुख आवश्यक कदमों पर था। वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने का आग्रह करते हुए एक कोविड 19 एडवाइजरी जारी की है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एहतियातन कोविड वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। अब ड्रोन करेंगे दवाइयों की डिलीवरी। ड्रोन टेक स्टार्टअप TSAW ड्रोन ने कोलकाता में अपनी पहली B2C मेडिसिन ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए कन्हैया लाइफ केयर मेडिसिन के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस कोलैबोरेशन के पीछे का मुख्य उद्देश्य रोड ट्रैफिक की वजह से होने वाली देरी को कम करना है, साथ ही मरीजों को उनके घर पर ही दवाओं को जल्द और एफिशिएंट डिलीवरी प्रदान करना है। TSAW ड्रोन पार्सल्स को हावड़ा ड्रोन हब तक पहुंचाएंगे। इसके बाद हब से TSAW के बाइकर्स पार्सल को उनके पेशेंट्स के हाथों तक पहुंचाएंगे। कन्हैया लाइफ केयर मेडिसिन के सलाहकार सत्यजीत रॉय ने कहा है कि B2C मेडिसिन ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू करने में कोलकाता के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में शुरुआत की जाएगी। आगे आने वाले समय में अन्य स्थानों में भी सेवा शुरू करने की योजना बनाई जाएगी। खरीदार वेबसाइट और टेलीकॉलर सुविधा के माध्यम से आसानी से अपना ऑर्डर बुक कर सकेंगे और कुछ मिनटों के अंदर ही डिलीवरी की उम्मीद की जा सकती है। भारत बना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। 2050 तक और बढ़ सकती है भारत की आबादी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.428 बिलियन से अधिक है, जो चीन की 1.42 बिलियन लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक है। इसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के एक विश्लेषण में कहा गया है कि अगले 3 दशक तक भारत की आबादी बढ़ने की और ज़्यादा उम्मीद है, जिसके बाद ये घटने लगेगी। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 166.8 करोड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि चीन की आबादी घटकर 131.7 करोड़ हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। UNFPA ने कहा है कि 2050 तक भारत में हर 5वां व्यक्ति बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, इसलिए इस सेगमेंट के लिए योजना बनाने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। इसी के साथ बुजुर्गों के स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। यूनिसेफ ने की हिंदुस्तान की तारीफ, डिजिटल हेल्थ में हुए प्रयासों को सराहा। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक के तीसरे दिन जन केंद्रित फोकस, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंटिन्यूटी ऑफ केयर और अन्य मुद्दों और समाधानों के बीच डिजिटल विभाजन के मुद्दे के साथ डिजिटल हेल्थ इनोवेशन पर आकर्षक तकनीकी सत्र देखे गए। चर्चाओं ने जीवंत वैश्विक और स्थानीय सहयोग के माध्यम से सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यूनिसेफ हेल्थ प्रोग्राम में सीनियर हेल्थ एडवाइजर एंड DHISU प्रमुख डॉक्टर कारिन कलंदर ने कहा कि भारत में एक लार्ज पॉपुलेशन और एक वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। महामारी के दौरान भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम के मैनेजमेंट में मदद करने के लिए कोविड 19 टीकाकरण को रजिस्टर्ड करने के और शेड्यूल करने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म जैसा तकनीक का उपयोग किया है। कारिन ने कहा कि दूसरे सभी देशों को डिजिटल हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन में भारत की सफलता और चुनौतियों से सीखना चाहिए
और अन्य देशों में इसी तरह के कार्यक्रमों के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। पैकेट बंद प्रोडक्ट्स के दावों में कितना सा सरकार से अपील, सख्त करें नियम। स्वास्थ्य और पोषण फसाई संगठन और उपभोक्ता समूह सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वे लंबे समय से डिब्बाबंद भोजन द्वारा किए गए झूठे और भ्रामक दावों पर नियंत्रण करने में विफल हैं। नवीनतम ट्रिगर मॉन्डलेज के कैडबरी बॉर्नवीटा पर विवाद है, जो पिछले हफ्ते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेवंत हेमंत सिंगकिया द्वारा दूध खाद्य पेय में चीनी के स्तर पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो बनाने के बाद भड़क गया था। बॉयकॉट बॉर्नवीटा जैसे कॉल के साथ वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद मॉन्डलेज की लॉ फर्म ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है, जिसके बाद हेमंत सिंगका ने माफ़ी मांगी और 14 अप्रैल को वीडियो को हटा दिया है। उनका ट्विटर अकाउंट भी निलंबित कर दिया गया है। एक्टिविस्ट बॉडी कंज्यूमर वॉइस ने फसाई और उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को लिखा है, उनसे आग्रह किया है कि वह पूरी श्रेणी के लिए नियमों और लेबलिंग दिशा निर्देशों को संशोधित करें। हालांकि चिकित्सा संगठनों और डॉक्टरों ने भी कहा कि सरकार स्वास्थ्य पेय के रूप में मार्केटिंग किए जाने वाले उत्पादों के लिए पैकेट पर चीनी के स्तर को प्रमुखता से घोषित करना अनिवार्य करे। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।